तो बच्चों देखो क्वेश्चन है आपके सामने, इफ एक्स वाई एंड जेड आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर जेड इज हाइपोटेन्यूज देन प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन टू। तो आपको क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आपके सामने। देखो ऐसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके साइड्स हैं एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई है और ये आपको जेड दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहे एक सर्कल इसके बीच में जो कि इन साइड्स को टच करता है, एक सर्कल है कुछ ऐसा जो इन साइड्स को टच करता है तीन पॉइंट्स पर। बोल रहे इस सर्कल का रेडियस जो है वो आपका होना चाहिए, इसका रेडियस आर इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन टू, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन उठता है प्रूव कैसे करें। देखो मान लो ट्राइंगल का हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, एक ट्राइंगल है और जिन पॉइंट्स पर टच कर रहा सर्कल उन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं डी ई एफ, ये डी ई है, ये ई है और ये आपका एफ है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर सेंटर को मैं ओ ले रहा हूँ, सेंटर ऑफ सर्कल को ओ ले लेता हूँ, ये ओ है आपका। अगर ओ को मैं एफ से ज्वाइन कर लूँ ये, तो अब ध्यान से देखो कि जो ओ एफ है वो भी रेडियस होगा आपका, ओ एफ रेडियस होगा और बी डी क्या होगा, वो भी रेडियस होगा, सेम ही तो होगा ये। एंड टेंजेंट्स क्योंकि इक्वल होती हैं, एक्सटर्नल पॉइंट बी से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएँ, देखो अगर किसी सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट्स की लेंथ्स भी आपस में इक्वल होती हैं, इसका मतलब बी डी और बी एफ भी इक्वल होंगे, तो यानी कि बी एफ आपका आर के इक्वल हो गया। अब देखो एंगल एंटी है ये वाला दिया हुआ है और ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट से 90 का एंगल बनाता है, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये भी अपने आप 90 हो जाएगा, है ना, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है ना एफ ओ डी और बी, ये एक स्क्वायर हो चुका है। तो अगर ये स्क्वायर है तो सभी साइड आर के इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब देखो पूरा हमारे पास यहाँ बी सी आपका वाई के इक्वल है, तो डी सी कितना होगा, वाई माइनस आर हो जाएगा। फिर समझो ध्यान से, अगर पूरा बी सी आपका वाई के इक्वल है और बी डी आपका आर के इक्वल है, तो डी सी कितना होगा, वाई माइनस आर होगा। अब टेंजेंट्स क्योंकि इक्वल होती हैं तो जितना सी डी है उतना सी ई होगा, तो ये भी आपका वाई माइनस आर के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो पूरी साइड जो ए सी कितनी है, जेड है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी जेड है, तो जेड में से अगर मैं वाई माइनस आर माइनस कर दूँ तो ये जेड माइनस ब्रैकेट में वाई माइनस आर, और जितना ये टेंजेंट है ए इतना ए एफ होगा, तो ये भी आपका जेड माइनस वाई माइनस आर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम ए बी की बात करते हैं, ए बी किस किस का कॉम्बिनेशन है, ए बी है ए एफ और एफ बी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ए बी पूरा कितना दिया था आपको, ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, एक्स के इक्वल है, तो एक्स इज इक्वल टू ए एफ, ए एफ कितना चेक करो, ए एफ आपके पास है जेड माइनस ब्रैकेट में वाई माइनस आर, और एफ बी कितना है, एफ बी आपका आर के इक्वल है, तो यहाँ पर आर लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं होगी। आगे देखो एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई माइनस माइनस प्लस आर प्लस आर, ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला। आगे देखो एक्स जेड और वाई को मैं उस तरह लेके जा रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू आर प्लस आर टू आर, तो यहाँ पर टू आर लिखो। तो अगर टू आर आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड के इक्वल है, तो आर क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन टू, तो ये बेटा आपको प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, दैट इज द आंसर, ठीक है, ओके बेटा।